दोस्तों, जब अपने YTA स्टूडियो में आप अपना रेवेन्यू चेक करोगे, अपने जो आपके जो इनकम बने हैं उसको चेक करोगे, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से एरर एक देखने को मिल जाएगा। एस्टिमेटेड रेवेन्यू के पास आपको एरर देखने को मिल जाएगा। जब इस पर आप क्लिक करके इसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर होगा एस्टिमेटेड रेवेन्यू डाटा इज़ इनकरेक्ट फॉर सम डेट, और यहाँ पे कोई भी डेट हो सकता है आपको। हो सकता है कि अभी जुलाई का डेट हो या फिर अगस्त का डेट हो, अलग अलग टाइम पर ये डेट्स यहाँ पर आपको शो कर सकते हैं। उसके बाद लिखा होगा वी आर वर्किंग टू फिक्स दिस। अब लोगों के मन में क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है, कहीं उनके मोबाइल में ये प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरा ये चैनल में भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, और मैं यही चीज़ आपको दूसरे चैनल में भी दिखाता हूं तो दूसरे चैनल में भी आपको सेम यही प्रॉब्लम अभी देखने को मिल सकता है। मैं दूसरे चैनल में भी दिखाऊं तो यहां पर भी सेम यही प्रॉब्लम आपको दिख सकता है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आपको ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि अभी ये YouTube का ही प्रॉब्लम है। कोई पार्टिकुलर डेट में YouTube अपना जो इसका एस्टिमेटेड रेवेन्यू होता है वो सही से फिक्स नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से सारे क्रिएटर्स को इस प्रकार की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसे आप ठीक नहीं कर सकते, इसे YouTube ही ठीक करेगा, और दो तीन दिन के अंदर या कुछ समय के अंदर, कुछ घंटों के अंदर ही ये ठीक हो जाएगा। अपने आप यहाँ पे जो रियल एस्टिमेटेड रेवेन्यू होगा वो आपको अभी तक तो सिर्फ कुछ पीछे डेट का ही दिखाएगा, लेकिन ये जो दो दिन या तीन दिन के लिए एस्टिमेटेड रेवेन्यू की प्रॉब्लम आई है वो ठीक कर देगा। उसके बाद सब कुछ आपको क्लियर दिखाई देगा। तो ये अपने आप कुछ घंटों या कुछ समय के बाद ठीक हो जाएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दें।